हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, ये जो ट्रांसफर विंडो आता है ना यार सामने, तो फिर ना ट्रांसफर विंडो में रोज कुछ ना कुछ नई खबर जो है वो हमको देखने को मिलती है। अब आज ये खबर निकल के आ रही है कि आदमा ट्रायोरे को जो है वो भाई साहब बार्सिलोना लेना चाहती है लोन में। अब ये कैसी डील रहेगी, क्या बार्सिलोना के लिए सही है नहीं है, डेम्बेले का क्या नया सिचुएशन समझ में आ रहा है, आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ आदमा ट्रायोरे के बारे में, या एडमा ट्रायोरे के बारे में, जो भी नाम है इसका, इसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये बार्सिलोना को सूट कर सकता है, क्योंकि बहुत बुराइयां भी हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो दोनों के ऊपर हम लोग जो है वो नजर डालेंगे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई साहब, वन फुटबॉल का जो है वो तहे दिल से धन्यवाद है स्पॉन्सरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल में। वन फुटबॉल जो है वो बेस्ट फुटबॉल ऐप है फॉर ऑल दी फुटबॉल फैंस आउट देयर। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो और फुटबॉल की हर एक न्यूज से जो है वो अपडेटेड रहना चाहते हैं, वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर लो। लेकिन इस ऐप में केवल आपको न्यूज ही नहीं देखने को मिलेगा, आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टीम शीट देखने को मिल जाएगी, तो बहुत कुछ है वन फुटबॉल ऐप आपको देता है। फ्री अवेलेबल ऐप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर क्लिक करें और डाउनलोड करें वन फुटबॉल ऐप को। भाई साहब मेरे जैसे अपडेटेड रहना हर एक चीज के बारे में, वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लो। एनीवेज भाई साहब, आदमा ट्रायोरे के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ला मासिया का प्लेयर था, बार्सिलोना में खेलता था, बाहर गए, वुल्व्स में जो है वो अब खेल रहे हैं, बहुत लंबे समय से वुल्व्स में खेल रहे हैं, और भाई साहब बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इनके अगर मैं स्ट्रेंथ्स के बारे में बता दूं तो फिजिकैलिटी एक नंबर है भाई, देख रहे हो, जिम शिम जाता है, जिम करे, किसी से ना डरे वाले हैं आदमा ट्रायोरे। और साथ ही साथ पेस काफ़ी ज़्यादा है, इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग। लेकिन पता क्या, इस प्लेयर के बारे में ना जब भी प्रीमियर लीग के दोस्तों से बातें होती हैं या फिर मैं प्रीमियर लीग के पुंडित से सुनता हूँ आदमा ट्रायोरे के बारे में, तो लोग ये कहते हैं कि जीरो गोल्स जीरो असिस्ट जस्ट प्योर वाइब्स, और ये एकदम सच है, जीरो गोल जीरो असिस्ट एंड जस्ट प्योर वाइब्स ऑन द विंग जो है वो आदमा ट्रायोरे प्रोवाइड करवाते हैं। ये बंदे के अंदर पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो पेस मर्चेंट है ये, बॉल को आपके पीछे वाले साइड से यानी कि सेंट्रल डिफेंसिव पोजीशन से जो है वो बॉल कैरी करके फ्रंट तक लेकर के जाएगा, बट वहाँ पे इसकी डिसीजन जैसे अभी मैं लड़खड़ा गया ना डिसीजन मेकिंग बोलने में, वैसे ही आदमा ट्रायोरे वहाँ पे डिसीजन बनाने में लड़खड़ा जाते हैं कि अब मेरे को करना क्या है, तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऑल दो उसका बॉल कैरिंग का जो भी नंबर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा है, टॉप थ्री प्रीमियर लीग प्लेयर्स में से एक आदमा ट्रायोरे आते हैं जब बॉल कैरी करने की बात आती है, तो डुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे करते हैं, ट्रिक्स काफ़ी अच्छा जानते हैं, पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिजिकैलिटी काफ़ी अच्छी है, तो बॉल तुम्हारी ये डिफेंस से खींच के अटैक तक तो ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो वहाँ पे लैग करता है। लेकिन बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही रॉ प्लेयर है अगर मैं ये बताऊं तुमको तो। मोर ओवर आई कुड से दिस कि यार इसको ना कभी भी एक ऐसा अच्छा कोच नहीं मिला है जो इसके नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में बदल पाए। चावी कुड बी दैट कोच, स्पेनिश है चावी भी, आदमा ट्रायोरे भी स्पेनिश है, तो स्पेन तो भाई अपना होम ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ना इसकी कमियों के ऊपर काम करा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग एक है जिसके ऊपर ऑफकोर्स आदमा ट्रायोरे को काम करना पड़ेगा, बट ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर व्हेन इट कम्स टू पेस, when it comes to tricks, when it comes to 2v1 की qualities, तो जो काम डेम्बेले करता था ना, डेम्बेले भी अपन को ना बहुत frustrate नहीं करता था कि बॉल लेके चला गया आगे तक और फिर हक देता था साला, आदमा ट्रायोरे भी वही आदमी है, बस बेटर इन फिजिकैलिटी। तो ये जो डील होने वाली है बार्सिलोना की, अगर यहाँ पे बार्सिलोना इसको खरीद रही होती 30-40-50 मिलियन दे करके, तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता, मैं बोलता यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है भाई। लेकिन ये जो डील है ना, ये लोन डील होने वाली है बस इस सीज़न के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या आदमा ट्रायोरे बार्सिलोना की नीड्स को फुलफिल करेंगे, ये सवाल है जिसके ऊपर हमको जो है वो गौर देना चाहिए, और इस सवाल का आंसर है हाँ। आदमा ट्रायोरे ऑफकोर्स ही इज नॉट द बेस्ट विंगर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, बट विल ही बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ बार्सिलोना, ऑफकोर्स येस। तो अभी शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से आदमा ट्रायोरे इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना। लोन में अगर लेती है बार्सिलोना तो बहुत ही अच्छा ये डील होगा, और ऑफकोर्स यार ही इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर, मैं फिर से ये बता रहा हूँ, बट जो चीज़ अभी हमको चाहिए विंग्स में क्रिएटिविटी, विंग्स में पेस, वो आदमा ट्रायोरे आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, और इस शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से ही वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। बार्सिलोना बोर्ड बहुत ही अच्छी चीज़ कर रही है, बहुत ही अच्छे साइनिंग्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे डील्स हो रहे हैं, जितनी भी सुनाई दे रही है हर एक डील लाजवाब सुनाई दे रही है। और देखो ना, आदमा ट्रायोरे जैसा प्लेयर जिसको मेरे ख्याल से परमानेंटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको लोन में लिया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा, तो ये
बोर्ड का काम ना यार एक नंबर हो रहा है, मजा आ गई। यानी कि हम केवल वेजेस देंगे एडमा ट्रॉयरे के, हम कुछ पैसे जो है बुल्स को नहीं देने वाले। वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम बार्सिलोना, बहुत ही क्लोज है, हो सकता है तुमको आने वाले कुछ एकाद दिन में जो है एडमा ट्रॉयरे फाइनल एफसी बार्सिलोना के प्लेयर नजर आ जाए। लेट्स टॉक अबाउट डेम्बेले का सिचुएशन बार्सिलोना में, जो अभी एक थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए नजर आया। मूसा सिसी को जो डेम्बेले के जो है एजेंट है वो बार्सिलोना लैंड करे। अब उनके लैंड करने के बाद जो है वो बातें हुई बार्सिलोना बोर्ड और इनके एजेंट के बारे में, मतलब एजेंट से बातें हुई बार्सिलोना बोर्ड की। और तो सीधा चावी का कहना ये था भाई साहब कि देखो सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर तुमको रेन्यू करना है तो करो, और अगर तुम रेन्यू नहीं करते हो डील को तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि उस्मान डेम्बेले जो है वो बार्सिलोना की शर्ट आज के बाद कभी नहीं पहनेगा। और वो चीज़ हमको नज़र भी आ रही है, उस्मान डेम्बेले तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा है भाई साहब बार्सिलोना में। तो ये जो है वो अल्टीमेटम चावी ने जो है वो मूसा सिसोको को दे दिया। अब तुमने सुना होगा कि मूसा सिसोको और उस्मान डेम्बेले ये कह रहे थे कि हम लोग क्लब छोड़ के नहीं जाएंगे किसी भी केस में, हम रुकेंगे पूरे क्लब में आखिरी तक, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन तक रुकेंगे, नो मैटर व्हाट मैं खेलूं या ना खेलूं। लेकिन आज ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि पहली बार ये जो उस्मान डेम्बेले का एजेंट और डेम्बेले है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम जा सकते हैं क्लब को छोड़ कर। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना, क्योंकि ये बैठे रहता तो हम साइनिंग्स नहीं कर पाते क्योंकि हमारी वेज बिल बहुत ही ऊपर है। अगर उस्मान डेम्बेले जनवरी में छोड़ करके जाएगा, जो पहले इन लोग मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है वो इन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम छोड़ के जा सकते हैं क्लब को, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसका वेज बिल कम होगा और हम फिर एडमा ट्रॉयरे के अलावा भी एक आध दो प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं। लेफ्ट बैक में जो है वो ऑप्शन चल रहा है, लेफ्ट बैक में जो है वो टैगला फीको का जो चल रहा था, लेकिन टैगला फीको के डील में थोड़ा सा जो है वो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो उसकी जगह हो सकता है ग्रिमाल्डो साइन हो जाए, वेरी गुड साइनिंग। अल्वारो मोराटा का भी जो है वो थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है वेज कैप के चक्कर में। तो अगर डेम्बेले जाता है तो एक साइनिंग ही नहीं, दो तीन साइनिंग जो है वो बार्सिलोना इस जनवरी वाले विंडो में करते हुए नजर आएंगे। तो अभी डेम्बेले, उसके एजेंट और बार्सिलोना से बातें वगैरह चल रही हैं, अब देखो क्या जो है वो रिजल्ट निकल के आता है। बट भाई साहब वेरी गुड न्यूज़ आज जो है वो बार्सिलोना के खेमे से निकल के आई है। एडमा ट्रॉयरे शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से फिनोमिनल साइनिंग होने वाले हैं, वो हर एक चीज़ जो अभी बार्सिलोना लैक कर रही है, पेस हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, बॉल कैरी करना हुआ विंग्स में, एडमा ट्रॉयरे आपके हर एक उस नुक्स का जो है वो इलाज है। जहाँ तक मैं बात कर लूँ उस्मान डेम्बेले के बारे में, तो इसके तरफ से भी जो है एक अच्छी खबर नगर के आई है कि भाई साहब उस्मान डेम्बेले क्लब छोड़ करके जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से दोनों खबर A1 है बार्सिलोना के लिए। एनीवेज तो भाई साहब ये थी आज की खबरें बार्सिलोना के कैंप से। नाउ पीपल माइट बी कंप्लेनिंग कि भाई फिर से तुम बार्सिलोना करने लग रहे हो यार, देर थोड़ा सा गेम हो गया। तो इसका मैं जो है वो तुमको जवाब दे देता हूँ, यार तुम खुद देख लो न्यूज़ खोल करके, कोई और क्लब के बारे में ज़्यादा खबर चली नहीं रही है, बार्सिलोना ही जो है वो खबरें बनी हुई हैं। तो ऑफकोर्स यार ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको अपडेटेड रखूँ फुटबॉल के न्यूज़ से। एनीवेज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, केवल 5 सब्सक्राइबर रह गए हैं 27,000 होने में, बड़ा सा अचीवमेंट होगा और बड़ी सी पार्टी होगी। डिस्कॉर्ड में कंपटीशन है पोस्टर वाला भाई साहब, उसको भी पार्टिसिपेट कर लें। और हाँ मेरा खुद का ऐप है फुटबॉल वॉलपेपर वाला ऐप, उसको भी डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव बीन शोइंग लेटली भाई साहब। नेक्स्ट वीडियो में शशि के साथ, टेक केयर प्लीज, विस्कल बारसा, जय हिंद।